गणतंत्र दिवस आज और भारत वर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस समय मैं शहीदी चौक में हूँ, जहाँ पर कांग्रेस की तरफ से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को त्यौहार के तौर पर इसको मनाया जा रहा है। और तमाम बड़े नेता जो विश्व सामने तस्वीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शुरू करेंगे के साथ में रमन भल्ला कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के उनके साथ में मनमोहन सिंह यहाँ सबसे अहम बात जो है वो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से कांग्रेस का नाम ने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है, क्योंकि कोविड है, कोरोना काल चल रहा है और उसमें जो है वो यहाँ कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एक लाइन में जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और उचित दूरी जो है वो एक दूसरे से बनाई है। और देखिए यहाँ पर जी अमीर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फहराया और देखिए अब सलामी दी जा रही है राष्ट्रध्वज को। योगेश जी अमीर और मनमोहन सिंह तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर मौजूद है सलामी देते हुए तिरंगे झंडे को। उसके साथ साथ रमन भल्ला 26 जनवरी 1950 को देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 21 तोपों की सलामी के साथ जो है ध्वज गीत शुरू करेंगे। अब मैं JKBCC के अध्यक्ष जी अमीर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने परिवार को कांग्रेस परिवार को संबोधित करें। जी अमीर साहब राष्ट्रगान लेते हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकार सेवा दल के साथियों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कारकुन आज के इस 73वें यौम जमहूरिया के मौके पर मैं जाती तौर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज से 73 साल पहले देश की आजादी के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना भीमराव अंबेडकर जी की कयादत में वो आज ही के दिन 1950 से लागू हुआ और एक विशाल देश में जिसमें अलग अलग रंग मिसल अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग खान पान खाने वाले देश में एक कॉमन चीज जो सबके लिए सम्मानित और सबके लिए उसमें जगह है जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यही एक वो फ्रेमवर्क है
जिसके तहत हिंदुस्तान ने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए, बड़े बड़े एरियाज को इसमें कवर किया, और यही एक वो गारंटी हम देशवासियों के लिए कि हम चाहे किसी भी चीज़ को मानते हो, किसी भी तरह से अपना जीवन चलाते हो, मगर जो हमारी सेंट्रल रेखा है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है आज़ादी के बाद, शायद दुनिया में और किसी मुल्क को इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला है जितना भारत देश को मिला है, और उसी की वजह से 70 साल देश ने तरक्की की, देश में जमहूरियत पनपी, जमहूरियत का रियल सेंस यही कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, जिसमें जब हम अधिकार की भी बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे कुछ ड्यूटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे। आज देश जिस माहौल में चलाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं। जो हमारे पूर्वजों ने इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा था, उसको बालाए ताक रख करके उन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती, जो एक दूसरे पर हम जिस तरह से अटैक्स करते हैं, जिस तरह से हम प्रहार करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहीं पर भी ऐसा इजाज़त नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हमारे पार्लियामेंट, हमारे लेजिस्लेटर्स, हमारे कोर्ट्स, एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे उस जुमरे में आते हैं, उनको अपना अपना रोल डिफाइंड है। मगर आज देश में यही नहीं समझ आ रहा है कि पार्लियामेंट कैसे चलाया जा रहा है, पार्लियामेंट की जो आवाज़ है उसको बंद किया जा रहा है। पार्लियामेंट तो बोलने के लिए है, पार्लियामेंट तो लोगों की डिमांड्स को हाईलाइट करने के लिए है, आज वो जबानी भी बंद, आज कोर्ट्स को भी अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, आज जो बने हुए इंस्टीट्यूशन से उनको कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया जा रहा है, उनको ओवरलैप किया जा रहा है। ये आवाज़ आज फिर कांग्रेस जनों को, जिन्होंने बुनियाद में आज़ादी हासिल करवाई, जिन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाया, 70 साल उसको आगे बढ़ाया, आज उन्हीं चीज़ों पर जो यहाँ पर हलबली मचाई जा रही है, कांग्रेस जनों का फर्ज बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लोगों के सामने ले चलें और उसकी उसकी जो रेस्पेक्ट है वो कायम रहे। जिसको जो ड्यूटी मिली है, जिसको जो काम होना है, वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में अपना काम करे, बोलने की इजाज़त हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी रखी है, वो किसी की देन नहीं है, और कौन किस तरह से अपना जीवन गुजार रहा है ये डिफाइंड है उसमें। तो इसलिए आज कांग्रेस पार्टी ये अहद करती है कि हम उन पूर्वजों के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को घर घर तक पहुँचाएँ, उसकी हिफाजत को समझाएं, और अपना अपना काम अपना अपना एरिया करें, एक दूसरे को ओवरलोड ना करें, एक दूसरे के ताकत के अंदर ना घुसें, हर एक को अपनी लिबर्टी से काम कर ले दें। मैं इस मौके पर ज़रूर आज की मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला मकसद लोगों का अपने हुकूमत देना, लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट एक पॉलिटिकल प्रोसेस इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आती है, और ये भी गला घोटने वाली बात है कि आज 4 साल से ज़्यादा टाइम से जम्मू कश्मीर एक पॉपुलर सरकार के बगैर, क्या गुनाह किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों ने? अगर हम भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें हकूक किए हैं उनको हमसे दूर क्यों रखा जा रहा है? क्यों किसी न किसी बहाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने की एक साजिश रचाई जा रही है?
2022 का साल जम्मू कश्मीर के लिए खुशहाली का साल हो, जम्मू कश्मीर का जमहूरियत का साल हो। जो जमहूरियत हमसे छीनी गई उसको बहाल करने का एक सिलसिला हो, ताकि यहाँ एक पॉपुलर सरकार बने, लोगों के इश्यूज आगे बढ़े। ये सबसे बड़ा आज के दिन से रिलेटेड हमारी डिमांड भी रहेगी और हमारी जुद्दोजहद भी रहेगी। मैं आप दिन में फिर सारे सेवा दल के साथियों को, कांग्रेस के साथियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को आज के इस 26 जनवरी के मौके पर, गणतंत्र दिवस पर, आप सबको फिर एक बार बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अति नायक जय हे भारत वाग विदाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण कलबंगा, हिंदी माचल यमुना गंगा, ऊषल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय दाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत वाग विदाता, भारत माता की, भारत माता की, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की। शहीदी चौक से दिखा रहा हूँ और शहीदी चौक से तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये भी यहाँ पर कौन सा आदि हुआ। देखिए हम एक खूबसूरत देश का हिस्सा है, 1947 में आज़ादी हासिल की और 1950 में एक बहुत ही वेल ड्राफ्टेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीज हम देशवासियों को मिली, खासकर भारत जैसे मुल्क को जिसमें कोई एक नस्ल, कोई एक लैंग्वेज, कोई एक भाषा बोलने वाला नहीं है, ये तो कई सारी सैकड़ों भाषाएं बोलने वाले, खान पान करने वाले, धर्म पालने वाले, तो ऐसे में एक सबसे बड़ा जो गाइड हमको मिला था धर्मों से हट के, जबानों से हट के, खान पान से हट के, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें सबकी पासदारी रखी गई थी, सबकी बात रखी गई थी, खासकर राइट टू स्पीच, राइट टू वॉइस जो इसमें मिला था, वो आज 70 साल के बाद कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश हो रही है, और इसलिए आज देशवासियों को फिर से 1950 की उस स्थिति को सामने रखते हुए, जो हमें एक मीठा चीज़ जो सारे पार्लियामेंट को अपना हक देता था, असेंबली को अपना हक देता था, कोर्ट्स को अपना हक देता था, एग्जीक्यूटिव को अपना हक देता था, आज कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग्स हो रही, एक दूसरे का काम कोई तीसरा चौथा कर रहा, तो ऐसे में इस देश को संभाले रखने के लिए अपने अपने एरिया में सब लोग काम करें, और ये आज वक्त की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हम सब देशवासियों को भी अपील करते हैं, जम्मू कश्मीर वासियों को भी, कि आप सारी चीज़ें छोड़कर अपने दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में अपने कानून को, अपने डिमांड्स को आगे बढ़ाइए, तो देश सुरक्षित रहेगा, देश आगे बढ़ेगा।
जी अमीर कह रहे हैं कि देखिए तमाम जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो आपस में मिलकर रहे, भाईचारा जो है वो बनाए रखें और मिलकर जो है ये लड़ाई लड़नी है। और जी अमीर ये कह रहे हैं कि जैसे 1950 में हमारा देश था यानी कि तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उस संविधान को आज कुचलने की कोशिश की जा रही है। सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर है क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और इससे पहले अपने संबोधन में वीरवीर ने ये भी कहा कि हमारी खूबसूरत सी रियासत को जम्मू कश्मीर जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बेइंसाफी की है। आपने देख लिया रिपोर्ट, कैमरामैन गगन के साथ देखा आपको जो